नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज रांची से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब सवाल किया कि पैसे देकर टिकट नहीं देने के आरोप में निश्चित तौर पर आप पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो उनका सीधा सीधा जवाब था कि कहीं न कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। एनी कौन भिखारी मुकदमा केस करता है, हमको ज़्यादा कुछ कहना नहीं, लेकिन आपको इतना ज़रूर जानकारी ले लेना चाहिए उनसे महापुरुष से कि वो आपके 5 करोड़ रुपये लाएँ कहाँ से, हमें जाके ये तो पता करेगा और कानून अपना काम करेगा। और हम तो चाहेंगे कि ईमानदारी से जांच हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर झूठा आरोप लगाया गया प्रमाणित होता है तो जिसने आरोप लगाया है उस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। परमानेंट की नौकरी लालू जी के समय राहुल जी के समय मिला, तो ये लोग जो नौकरी देखे परमानेंट है, ग्रेजुएट शिक्षक वाला जो लोगों ने स्कीम चालू किया था पहले, हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा, हाँ तो इन लोगों ने दरकिनार कर दिया, लेकिन क्या उनकी नौकरी परमानेंट है, नौकरी कितने दिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह की नौकरी की बात आज की सरकार कर रही है, उस तरह की नौकरी अगर हम कहें उनके पिताजी के राज में नहीं हुआ करता था, यानी उस समय में अस्थाई नौकरी लोगों को दिया जा रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार संविदा पर बहाली कर रही है जो कि गलत है। कुंदन कुमार, ATV भारत, पटना।